సప్తకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం వాస్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం నామాపితే చ మధురం మధురం స్వరూపం కర్మాపితే చ మధురం మధురా స్మృతిశ్చ బుద్ధిం ప్రబోధయ ప్రభో మధుబోధశక్తిం విద్యాం ప్రయచ్చ పరమాం పరిభావయామి కోమలం పూజయన్ వేణుం శ్యామలోయం కుమారకః వేదవేద్యం పరం బ్రహ్మ భాసతం హృదయే మమ పూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం నిగం కల్పతరుర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం మూరహోరసికా భువి భావుకాః తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిః నారాయణ అఖిల గురో భగవన్ నమస్తే శివాయ నమః శివలింగాయ నమః శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ ధర్మ కీ అధర్మ కా ప్రాణియో మే విశ్వ కా గోమాతా కీ గోహత్య భారత సర్వభూత హృదయ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామీ కరపాత్రిజీ మహారాజ్ కీ శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభు కీ శ్రీ బలభద్ర మహాప్రభుకి భగవతి సుభద్రా దేవికి హర హర మహాదేవ్ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవా శంభో శివ 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 నారాయణ 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 హిందూ మహాసభా అధ్యక్ష దియా గయ థే 15 మినిట్ అధిక లగ్ గయ శ్రీమద్ భాగవత్ షఠాస్కంద అధ్యాయ 16 శ్లోక్ 35 తవ విభవ ఖలు భగవన్ జగదుదయ స్థితిలయ దీని
विश्वसिदस्तिं संसास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्य। भगवान शेष के सम्मुख चित्रकेतु पहुंच गए। देवर्षि नारद के द्वारा उन्हें संकर्षण विद्या का उपदेश दिया गया था। 7 दिनों तक दुग्ध फल अन्न का त्याग कर केवल जल का सेवन करते हुए उन्होंने उस विद्या का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुरूप उन्हें विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हुआ था। विद्या प्रतिष्ठित होती है अंतःकरण में। पहले संयम के द्वारा आंशिक अंतःकरण को निर्मल निश्चल बनाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद विद्या अपना प्रभाव डालती है कि जिस आश्रय में वह रहती है उस अंतःकरण को और उज्ज्वल समत्कृत बना देती है। शुद्धि के बल पर विद्या की प्रतिष्ठा, विद्या के बल पर शुद्धि में अधिकता का क्रम चलता रहता है। कालांतर में विद्या के अर्थभूत जो इष्टदेव होते हैं, अधिदैव होते हैं, या तो साधक जहाँ रहता है वहीं वे प्रकट हो जाते हैं, या वे जिस धाम में रहते हैं वहाँ तक साधक को पहुँचने में कोई विघ्न प्राप्त नहीं होता, उसकी अप्रत्याहत गति हो जाती है। भगवान शेष के धाम तक और शेष के समीप तक चित्रकेतु की पहुँच संकर्षण विद्या के बल पर हो गई। जैसे भगवान नाम में भगवान को प्रकट कर लेने की क्षमता होती है, या धाम में भगवान है तो वहाँ तक पहुँचा देने की क्षमता होती है। भगवत धाम तक मंत्र जापक, नाम संकीर्तन करने वाला पहुँच जाता है, या भगवान ही उस तक पहुँच जाते हैं। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, हमारे आपके हृदय में भी प्रत्येगात्मा अंतरात्मा होकर विद्यमान है। यहाँ विद्या के प्रभाव से चित्रकेतु भगवान शेष के समीप पहुँच गए। प्रेमाश्रु की सतत अभिव्यक्ति वर्षा के कारण जहाँ भगवान शेष अपने चरण कमल को प्रतिष्ठित रखते थे उस पादुका को भी भिंगा दिया। भगवान शेष की कृपा से वाणी स्फुटित हुई। स्फुट वाणी के द्वारा उन्होंने भगवान शेष की स्तुति की। आपादित हैं, भक्तों के द्वारा फिर भी जीत लिए जाते हैं। भक्त आपके वशीभूत हो जाते हैं, आप भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। लाक्षा होती है ना, लाख जिसको कहते हैं, वह अग्नि के संपर्क से जब गंगा जल के समान द्रुत होकर प्रवाहित होने लगती है, उस द्रुत अवस्था में जिस रंग का सन्निवेश लाक्षा में हो जाता है, अब लाक्षा चाहे कि उस रंग से अपने को विहीन कर दूँ, रंग चाहे कि लाक्षा से मैं अपने पिंड छुड़ा लूँ, संभव नहीं।
एक दूसरे की तादात्म्य पत्ति हो ही जाती है। तद्वत हमारे अंतःकरण में जब भगवत विषय प्रीति की प्रगल्भता से और अब तक भगवान के दर्शन का सुयोग ही नहीं सधा, युग बीते पर अब तक मिलन की बेला ही नहीं आ गई, इस प्रकार ताप के प्रभाव से अंतःकरण तब पिघल जाता है। राग की प्रगल्भता से या भगवत विप्रलम्भ जन्य ताप की प्रगल्भता से जब अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है लाप्सा के समान, तब भगवत तत्व उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर अंतःकरण और भगवान में ऐसी तादात्म्य पत्ति होती है कि मनोमयी मूर्ति के रूप में भगवान सदा उच्छलित रहते हैं। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित वो ही दिखत घर बाहर आंगन में। मनोवृत्ति जहाँ जहाँ पहुँचती है वहीं वहीं वो भगवदाकार होने के कारण भगवत तत्व को छह अभिव्यक्त कर लेती है। यह रहे कृष्ण, यह रहे कृष्ण, यह रहे कृष्ण, यह रहे कृष्ण, होते होते मैं ही तो श्री कृष्ण, इस प्रकार से तादात्म्य पत्ति की स्थिति होती है। एक दिन हमने बताया इष्ट निरपेक्ष जब साधना बन जाती है तब सिद्धि की अवस्था मानी जाती है। इष्ट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जब चित्त में भगवत तत्व का संश्लेष हो जाता है, चित्त से भगवान तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, मनोगत भगवान का आदर्शन होने पर व्यक्ति को विप्रलम्भ वियोग प्राप्त होता है। अंकस्थिते पिदयते, राधा सुधा ने जी कार ने बताया, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुदर्शन मदन मोहन राधा रानी विश्वभर नंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी के अत्यंत समीप ही, लेकिन मनोभूमि में श्री कृष्ण का दर्शन हो गया तो बाह्य संश्लेष प्राप्त होने पर, सामीप्य प्राप्त होने पर भी मनोराज्य में भगवान की मनोमयी मूर्ति का तिरोधान हो जाने पर हा कृष्ण इस प्रकार उदन करने लग गई। और भगवान श्री कृष्ण गोचारण आदि लीला के प्रसंग में सुदूर वन में भांडिर वन आदि में चले गए, बाहर तो श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त है लेकिन मनोराज्य में मनोमयी मूर्ति भगवान की उच्छलित है, तो वियोग जन्य ताप भी नहीं पहुंच पाता। इसका अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, उनमें मनोमयी मूर्ति मनोमयी प्रतिमा का बहुत महत्व है। मृणमयी बाहर मिट्टी से, दारुमयी भगवान जगन्नाथ जी दारुमयी प्रतिमा में है, भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है अर्चा विग्रह दारुमय है। गुप्त बात यह है, हम तो वृंदावन में रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम है, वहाँ वाले प्रकट भी नहीं करते, बिहारी जी की भी जो मूर्ति है वो दारुमयी ही है। यहाँ कह रहे थे कुछ प्रतिहारी जी आदि, महाराज हमारे जगन्नाथ जी के समान कोई नहीं क्योंकि ये दारुमय है, तो हम नहीं बोले। अब उनकी निष्ठा है, ठीक है, तो हमको मालूम है, वृंदावन के बहुत से गोस्वामियों को भी नहीं मालूम। वृंदावन बिहारी लाल जी का जो श्री विग्रह है दारुमय है। 8 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, उनमें एक मनोमयी मूर्ति सबसे उत्कृष्ट है, मन ही कृष्णाकार होकर कृष्ण रूप हो जाए, मनोमयी मूर्ति। तब जब अभ्यंतर श्री कृष्ण मनोमय श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है लीला पूर्वक,
तब भक्त रुदन करता है, भगवान के विप्रलम्ब जन्य ताप से उसका हृदय तप्त तो हो जाता है। बाहर कहीं श्री कृष्ण हों भी, लेकिन अभ्यंतर विप्रलम्ब की स्फूर्ति होने के कारण वियोग जन्य ताप से वह तप्त तो होता रहता है। और कहीं मनोमयी भगवान की मूर्ति उच्छलित हो रही है, बाहर श्री कृष्ण गोचारण आदि लीला के प्रसंग में अन्यत्र भी हैं, तो वियोग जन्य तीव्र ताप की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार से मन में भी भगवान श्री कृष्ण, बाहर भी श्री कृष्ण, इसी प्रकार से यहाँ तब तो क्या कहना, मन में भी श्री कृष्ण, बाहर भी श्री कृष्ण, बाह्याभ्यंतर श्री कृष्ण। तो यहाँ मन में तो शेषनाग प्रतिष्ठित है ही, अब प्रत्याहत गति के प्रभाव से बाहर शेषनाग के धाम में भी पहुँच गए, सम्मुख शेषनाग उनकी स्तुति भी की, आगे उनके महात्म्य का कथन करते हैं। स्वरूप स्वभाव प्रभाव नाम रूप लीला धाम, इन सब के सामंजस्य से समवेत स्तोत्र की अभिव्यक्ति होती है। भगवान की स्तुति की जाती है या स्तोत्र पाठ किया जाता है, तब भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, इन सब का उसमें संश्लेष होता है। निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप, सगुण साकार स्वरूप, इसका भी संश्लेष होता है। तो स्तुति के व्यास से भगवान का समग्र रूप सामने आ जाता है। इस प्रकार से स्तुति प्रारंभ की, अजित होने पर भी आप अपने दिव्यातिदिव्य गुण गणों से भक्तों को जीत लेते हैं, और वे दिव्यातिदिव्य गुणगण जब भक्तों में सन्निहित हो जाते हैं, उन पे लट्टू होकर आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। भगवान के जो दिव्यातिदिव्य गुणगण हैं, वो मानो भगवान के धाम बन जाते हैं। अगर भक्त के हृदय में भी भगवान के अभ्येष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचा आदि दृष्टि से दिव्यातिदिव्य गुणगण का उद्रेक हो गया, तो वहाँ भगवान का आविर्भाव हो जाता है। भगवान के आकर्षण का केंद्र कौन है? भगवान में सन्निहित दिव्यातिदिव्य गुणगण, वे दिव्यातिदिव्य गुणगण कहीं भक्त में सन्निहित हो जाते हैं, उन गुणों पर रिझ कर भगवान भक्त वत्सल परमात्मा भक्तों के अनुगामी बन जाते हैं। और भक्त पहले भगवान के दिव्यातिदिव्य अचिंत्य अनंत गुणगण से समाकृष्ट होकर भगवान के वशीभूत हो जाते हैं, एक दूसरे पर लट्टू हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर क्या होता है, एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। भगवान को अधीन करने के लिए भगवान के दिव्यातिदिव्य गुणगणों की भक्त में अभिव्यक्ति आवश्यक है। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा, यही गुण ते बस हो रिझ कर सो सब मोहि बिसरियो। जिन दिव्यातिदिव्य गुणगणों के धारण करने पर आप प्रमुदित होकर वश में हो जाते हैं, वे सब गुणगण काल प्रवास में भूल गया। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने मुंडक उपनिषद आदि के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने जैसा अर्थ किया था, उससे विलक्षण अर्थ उद्भाषित किया। यमे वैसा प्रणुते तेन लभ्या, भगवान शंकराचार्य जी ने किया, ऐसा या साधक जिस परमात्मा को, जब परमात्मा को वरण कर लेता है, तो साधक के द्वारा वरण किए गए परमात्मा उसे सुलभ हो जाते। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा,
भगवान जब साधक का वरण कर लेते हैं तब साधक को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, स्वयंवरा राजकन्या होती है, कुछ गुरुदेव का दिया हुआ उदाहरण है। स्वयंवरा राजकन्या होती है, जिस पर रीज हो जाए, जिस राजकुमार पर, राजा पर, स्वयंवर किसके लिए है? केवल क्षत्रिय घर की देवियों के लिए प्राचीन ग्रंथों में स्वयंवर का आयोजन माना गया। केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण के यहाँ स्वयंवर नहीं, वैश्यादि के यहाँ स्वयंवर नहीं। अब वो उस समय की मर्यादा के अनुसार उस स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले क्षत्रिय या ब्राह्मण ही हो सकते थे, वैश्य इत्यादि नहीं। ऊपर ब्राह्मण और अपनी बिरादरी के दृष्टि से क्षत्रिय। स्वयंवरा राजकन्या जिस राजकुमार को या राजा को वरण कर लेती, गले में जयमाला डाल देती, वही राजकुमार या राजा उस स्वयंवरा राजकन्या का पति हो सकता था। ठीक इसी प्रकार भगवान जिस भक्त को वरण करते हैं वही भगवान को प्राप्त कर पाता है, ऐसा अर्थ श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। लेकिन एक जगह उन्होंने लिख दिया, आखिर वो जो राजकुमार होता है या राजा होता है, राजकन्या को, स्वयंवरा राजकन्या को अपनी ओर आकृष्ट करने में उसमें दिव्याति दिव्य कोई ना कोई वैभव होना चाहिए या नहीं? नहीं तो बहुत से हैं, अमुक का ही वरण वो क्यों करती है? तो मानना पड़ेगा उसमें कोई ऐसी विशेषता है जो स्वयंवरा राजकन्या को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो अंत में घुमाकर क्या हुआ है, आखिर स्वयंवरा राजकन्या में भी तो गुणगण, स्वयंवरा राजकन्या भी उसी का वरण करती है ना, जिस राजा या राजकुमार में उसके मन को अपनी ओर समाकृष्ट करने वाले गुणगण प्रतिष्ठित होते हैं। अंत में भगवान किस साधक का वरण करें किसका न करें, भगवान तो सम हैं, निर्दोष हैं। अमुक का वरण नहीं किया, अमुक का वरण किया, तो उस साधक में भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करने के गुणगण तो होने चाहिए ना। यही है, भगवान में जो दिव्यात दिव्य समता, असंगता आदि गुणगण होते हैं, वे भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करके भगवान के किंकर बना देते हैं। और ध्यान की प्रगल्भता से, अनुकृति की प्रगल्भता से जब वे गुणगण भक्तों के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो भगवान उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं। घुमा फिराकर भगवान किसी के अधीन नहीं होते, अपने ही अधीन रहते हैं। एक बहुत विचित्र बात है, दिव्यात दिव्य गुणगणों के अधीन भगवान हो जाते हैं, दिव्यात दिव्य गुणगण समलंकृत भक्तों के अधीन भगवान हो जाते हैं। यह भी प्रातीतिक तथ्य है। प्रातीतिक तथ्य का अर्थ क्या हुआ, श्रीमद्भागवत का एक श्लोक है, श्लोक क्या है, मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। दिव्यात दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं, मैं तो उन दिव्यात दिव्य गुणगणों से भी निरपेक्ष ही रहता हूँ। मां भजन्ति गुणा सर्वे, क्योंकि स्वरूप से निर्गुण हूँ, एक भी दिव्यात दिव्य गुणगणों में गुण, दिव्यात दिव्य गुणगणों में एक भी गुण अगर रह गया भगवान में तो भगवान क्या हो जाएंगे, सगुण। इसलिए भगवान तो निर्गुण हैं, दिव्यात दिव्य गुणगणों की भी भगवान को अपेक्षा नहीं है। मां भजन्ति गुणा सर्वे, वे दिव्यात दिव्य गुणगण भगवान का भजन सेवन करते हैं, भगवान तो उनसे भी उपराम या उदासीन रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं।
एक दिन हमने बताया था गुणगण क्या करते हैं, जिसमें रहते हैं कोई भी गुण क्या करता है, जिसमें रहता है उसकी त्रुटि का निवारण कर देता है, सौख्यातिशय निरतिशय निरतिशयातिशय का आधान कर देता है। कोई काष्ठ है उसमें कुछ खोखलापन है तो क्या करते हैं, मेज बनाना है तो मसाले से उसको भर देते हैं या नहीं, फिर पूरे काष्ठ को क्या करते हैं, चमत्कृत कर देते हैं या नहीं, क्या रंग रोगन के द्वारा। अब किसी के मुख में लग कुछ बढ़िया जुड़वा बच्चे हैं ये, हम आएंगे अभी तो फिर क्या करते हैं, किसी किसी के मुख में चेचक के दाग है, अब चंदन पाउडर आदि लगाने से वो चंदन पाउडर आदि गुणगण क्या करेंगे, उस खामी को त्रुटि को भर देंगे, चेचक के दाग का दर्शन नहीं होगा। फिर है तो सामला सा काला सा, अब उस पर पाउडर आदि से चमका दिया, विश्व सुंदरी बना दिया, पुरुष हैं तो विश्व सुंदर बन गए, क्या हुआ, तो गुणगण ने क्या किया, क्या किया, आश्रय को दोष मुक्त करके अतिशय स्प्रणीय बना दिया। अब भगवान तो क्या है, निर्दोष है, उनमें कोई खामी या त्रुटि हो तब तो गुणगण की दाल गले, और निरतिशयम यद यत ब्रह्म निरतिशयम तत् ब्रह्म, निरतिशयता की अतिशयता की पराकाष्ठा जिनमें है वह तो ब्रह्म है। भगवान में गुणगण क्या करें, उनकी दाल नहीं गलती, उनकी दाल नहीं गलती, भगवान में गुणगण क्या करें, झक मारते हैं। तो जैसे माता के वक्षोज में दुग्ध की धवल धारा सन्निहित होती है, वो अपने पीने के लिए ही, बच्चों के पालन के लिए, इसी प्रकार भगवान में दिव्यातिदिव्य गुणगण जो होते हैं वो भगवान के किसी काम के नहीं, वो जीवों के समुद्धार में प्रयुक्त विनियुक्त होते हैं। एक बार द्वारका के शंकराचार्य महाभाग स्वनाम धन्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग ने कहा, आप शंकराचार्य हुए हैं, मठ की स्थिति तो बहुत विचित्र है, क्या आपकी योजना है। तो मैंने कहा कि गोवर्धन नाथ जी भगवत पाद आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित हैं, मठ का नाम गोवर्धन मठ है, नाम के अनुरूप पहले काम प्रारंभ करने की योजना है, कोई हरियाणा आदि नस्ल की देसी गाय हो तो उसको रखने की भावना है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, किसी कलकत्ता के सेठ को चिताया होगा, दो गायें भेज दी मठ में, उसमें एक गाय ऐसी विचित्र थी कि चार पाँव वाली तो थी, एक पाँव उठावे अपना दूध स्वयं पी ले, हाँ उधर पे पाँव उठावे अपना दूध स्वयं पी ले, उसका एक बछड़ा था उसको मार के भगा दे। हम लोग कहें माता हो तो ऐसी हो हाँ स्वामी जी हम लोग जानते हैं, उस समय पप्पू जी जीतू जी मिलाए होंगे या नहीं संपर्क में, माता हो तो ऐसी हो, बच्चों को भी भगा दे, अपने बच्चे को भी दूध नहीं पीने दिया, उसको ऐसी विशेषता थी, उसकी गर्दन ऐसे पाँव उठाया अपना दूध पी लेती थी। एक उड़ीसा नस्ल की गाय थी, फिर उसके बच्चे को अपने बच्चे को दोनों को दूध पीने देती थी। अब एक माँ वो एक माँ वो उड़ीसा नस्ल की जो देसी गाय थी वो अपने पेट से जन्मे हुए बच्चे को भी दूध पीने देती थी, और वो करके वो जो माँ जो गाय अपने बच्चे को भी दूध नहीं पीने देती थी उसको बुला लेती थी और अपने बच्चे की तरह उसको भी दूध देती थी। तो भगवान उस गाय के समान तो नहीं है ना कि अपना दूध पिए भगवान में रहने वाले दिव्याति दिव्य गुणगण भी भगवान के लिए उपयोगी नहीं। तो भक्त वत्सल भगवान
क्या करते हैं, उन दिव्याति दिव्य गुण गणों के कारण भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करके उनके मुक्ति का बानक बना देते हैं। वो गुणगण क्या हैं, बहुत बढ़िया उत्तर दिया श्रीमद् भागवत में, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम, मैं सबका सुहृद हूँ। मित्र और सुहृद में क्या अंतर है, गीता के 5वें अध्याय में भी सुहृद शब्द का प्रयोग किया गया। प्रत्युपकार की भावना रखने वाला मित्र होता है, हेतु रहित प्रेम करने वाला सुहृद होता है। मित्र बदले में कुछ चाहता है, सुहृद ना, भगवान सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ हुआ बदले में कुछ नहीं, अपनी ओर से ही भगवान कृपा करते हैं या मेरे काम आवे। एक नैमिषारण्य में कोई व्यक्ति था, मेरे पास रुपये नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, प्रायः क्या ईंट को तोड़ के चूरन बना के ही मंजन करता था। ये दांत सब खराब हो गए, वृंदावन में दो दो जगह प्रवचन करता था, पूजा खंडानंद महाराज के यहाँ, उरियावाजी के यहाँ, कभी मुंह नहीं खोला, कभी किसी ने 2 रुपये नहीं दिए वर्षों तक। वहाँ भी यही कांड चलता रहा, ईंट को पक्की ईंट को फोड़ के, इसीलिए सब दांत खराब हो गए। बाबा के मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है। हाँ, सीधे शंकराचार्य पद पर नहीं आए हैं, समझ गए ना। हाँ, अब मेरे रुपया से तो मैंने किसी का सहयोग किया ही नहीं होगा, निमसारण में याद भी नहीं है उसके ऊपर क्या विपत्ति थी, मैंने क्या सहयोग किया जिससे वो दुख उसका चला गया। बाद में वो कुछ विक्षिप्त हो सा हुआ, उसने क्या कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस विपत्ति में आपने मेरा साथ दिया उससे ज़्यादा विपत्ति आपको प्राप्त हो ताकि मैं भी आपका साथ दे सकूँ। सच्ची बात, हमने कहा ठीक है। बड़े बड़े विकट लोग होते। ये क्या हुआ जी, हनुमान जी को हृदय से क्यों लगा लिया भगवान राम ने, तुमने जो काम बनाया है मैं तो कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता। प्रत्युपकार कब होता है, मैं संकट में फंसा था लोकलीला में, तो प्रत्युपकार तो तब करूँ ना जब मैं मनाऊँ कि हनुमान भी कोई संकट में फंसे तो मैं काम आऊँ, जैसे को मना रहा था। तो नहीं नहीं, तो फिर भगवान ने कहा फिर तुम्हें दूर तो क्या दूँ, तुम निष्काम भी हो और मैं कैसे कामना कर सकता हूँ तुम्हें भी संकट प्राप्त हो कि मैं काम आऊँ। तो बस मेरा सब कुछ है, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया, भगवान के पास सबसे अधिक धन क्या है, हृदय से लगा लेना। दंडक बन के मुनिगण भी चाहते थे कि भगवान हृदय से लगा लेना, हनुमान जी के अलावा भरत जी के अलावा हृदय से लगाने की बात ही नहीं। इसी प्रकार से हमने कहा भगवान सुहृद हैं, साम्या संगा दयो गुणा, भगवान में जो दिव्यात दिव्य गुण हैं वो भला कौन है। स्वरूप की विशुद्ध सत्व के द्वार से अभिव्यक्ति का नाम गुण है, यह गुण की परिभाषा हमने भागवत के आधार पर की है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान निर्दोष हैं, असंग हैं, असंगो नहीं सज्जते, असंगो ही अयम पुरुषः। भगवान का स्वरूप असंग है, असंगता गुण है, स्वरूप का अभिव्यक्त स्वरूप जो होता है वही गुण होता है। और भगवान सम है तो समत्व गुण हो जाता है। गीता ले लीजिए, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम वयम, आत्मा सुखरूप है लेकिन सत्वयुक्त सात्विक अंतःकरण पर उसकी अभिव्यक्ति हो गई तो सत्व गुण हो गया, सुख गुण हो गया। सत्वगुण के माध्यम से सुखरूप आत्मा की सत्वगुण पर अभिव्यक्ति हो गई, अभिव्यक्त स्वरूप का नाम ही गुण हो जाता है।
विशुद्ध सत्व के योग से भगवान की असंगता, असंग भगवान जब असंग रूप से प्रकट होते हैं तो उसका नाम गुण हो गया, और सम भगवान जब समत्व के रूप में विशुद्ध सत्व के योग से प्रकट होते हैं तो उसका नाम गुण हो गया। साम्यासंगादयो गुणा, साम्यासंगादय अगुणा, गुण के रूप में प्रतीत होने पर अगुण होते हैं। टटोलने चालने तो निर्गुण, प्रतीति से सगुण नहीं गुण, प्रतीति में गुण, टटोलने चले तो निर्गुण। कोई रंगीन फगवारे के द्वारा जो जल ऐसा हो बाहर से दिखाई पड़े कि अग्नि की ज्वाला है, छूने पर जलेंगे या शीतलता प्राप्त करेंगे? इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए स्वरूप की, स्वरूपानुरूप विशुद्ध सत्व के योग से अभिव्यक्ति भगवान के दिव्यार्थ दिव्य गुणों गण की क्या है, पहचान है। तो जिसको हम गुण कहते हैं वो भगवान के स्वरूप ही हैं। टटोलने पर क्या होता है, साम्या संगादयो गुणा हम, तो भगवान में जो दिव्यार्थ दिव्य गुण हैं ऐसे को दयालु जगमाई, बिन सेवा जो दवय दीन पर राम सरस को नाही। बहुत ऊंची बात, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर दीजिए परम उधार, भगवान से कहा तुलसीदास जी ने, परम उधार हैं, जब जब हमने जो माना मांगा दिया, लेकिन अब तक मैंने कभी यांचा नहीं की, याचना नहीं की भव सिंधु से तार दीजिए। लौकिक उत्कर्ष मांगा आपने दिया, मान मांगा, धन मांगा, सब कुछ दिया, पत्नी भी मांगा, पत्नी भी दी गोस्वामी जी को, अब तो आप दीजिए विषय बारी। भव सिंधु में गोता लगा रहा हूँ, भव सिंधु को आनंद सिंधु के रूप में उद्भाषित कर दीजिए। इसका मतलब भगवान कोटिक मुख कही जात में प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और चाहिए, चाहूँ दीजे परम उदार, भगवान परम उदार हैं। इसका मतलब भगवान के दिव्यात दिव्य गुणगण भक्तों को उनका किंकर बना देते हैं, भगवान के अधीन कर देते हैं। आत्मा राम मुनिंद्रों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाले दिव्यात दिव्य गुणगणों से युक्त भगवान का जीवन होता है। क्या परमहंसों को श्री परमहंस बनाने वाले भगवान, भगवान के दिव्यात दिव्य गुण जो हैं वो क्या हैं? नहीं जाएगा आजकल के वेदांतियों का ध्यान, आजकल के वेदांती का अर्थ होता है महानास्तिक, धर्म कर्म से दूर, वेदांत के नाम पर उन्मत्त, वेदांत के नाम पर नास्तिकता का मूर्त रूप। बहुत भयंकर ढंग से वेदांत को पढ़ाया जा रहा है आजकल, पढ़ने वालों की हत्या की जा रही है प्रायः। वो आज समाजी जैसे वेदांती होते हैं, भगवान के न धर्म, उनको भगवान से कुछ लेना देने, भगवान का खंडन करते हैं, भगवान सगुण साकार का खंडन करते हैं। बताओ अगर सगुण साकार ही ना होते तो भगवान शंकराचार्य जैसे वेदांती हो गए कोई? श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा किसने की फिर? द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा फिर किसने की? बद्रीनाथ की प्रतिष्ठा किसने की? वो भगवान शंकराचार्य जी मूर्ति पूजक थे या नहीं? अब बताइए, उनके मार्ग पर चलने वाले मूर्ति की धज्जी उड़ाते हैं, गुरियों का खेल बताते हैं, भय विकट नास्तिक शिरोमणि। इसलिए उचित बात यह है कि भगवान, भगवान के जो दिव्यात दिव्य गुणगण हैं वो भक्तों को भगवान का किंकर बना देते हैं। उन दिव्यात दिव्य गुणगणों से जब भक्त को युक्त हो जाता है, उन गुणों पर भगवान रिझ जाते हैं, उलट पुलट कर भगवान अपने ऊपर ही रिझते हैं। यही तो हुआ ना, जिन गुणगणों के कारण भगवान भक्तों पर लोटपोट हो जाते हैं, वो गुण भक्तों में और दिव्यात दिव्य गुणगण आए कहाँ से? भगवान से ही तो आए। इस प्रकार भगवान के आकर्षण का केंद्र भक्त, भक्तों के आकर्षण के केंद्र भगवान। आत्मा राम मुनिंद्र अमलात्मा परमहंसों को भी अपनी ओर समाकृष्ट करने वाले भगवान के गुणगण होते हैं। ये जल्दी नहीं समझ में आवे,
तो अभी तो हमने माम भजन्ति गुणा सर्वे कहा, एक और उदाहरण देखते हैं। सावधान, प्रभु प्रभु प्रेरित प्रेरित तहि व्यापय विद्या, लिखा है ना रामचरितमानस। आप श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निध्यासन कीजिए, लेकिन भगवान की उपाधि जो विद्या माया है, विद्या पर अविद्या दो। भगवान की जो विद्या माया है, जब वो प्रेरित कर देते हैं, ये जो भक्त है श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, लेकिन अपने बलबूते पर निरावरण नहीं हो सकता। ए मेरी उपाधि भूता विद्या, मेरी प्रेरणा से। हाँ बैठिए, अभी बैठिए, 5 मिनट बाद बैठिए, इनको समय दिया है। ए मेरी विद्या माया, एक रश्मि के रूप में क्या करो, इस भक्त के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाओ एक क्षण के लिए। ध्यान दिया, प्रभु प्रेरित ते ही व्यापय विद्या। एक व्यक्ति गिर गया हो तो अपने किसी भक्त को, व्यक्ति को कैसे गिरे हुए को उठा दो क्या? एक बच्चा अपने बलबूते पर आ नहीं रह पा रहा है, बेचारा रेंगता है, गिर जाता है, अरे इसको मेरे पास ले आओ, ऐसे ही है। भगवान जब आदेश देते हैं, ए मेरी विद्या, उसकी एक नन्ही सी क्या है वृत्ति, इस भक्त को लग जा, इस भक्त के अंतःकरण में जाकर संश्लिष्ट हो जा। जैसे वज्र किसको कहते हैं, हीरा को कहते हैं ना, तो सीसा आदि को काटने के लिए उसका थोड़ा सा अंश होता है ना, खट से काट देते हैं। ऐसे भगवान की प्रेरणा से भक्त के हृदय में, अंतःकरण में वो विद्यावृत्ति का संश्लेष हो जाता है। वो क्षण भर में क्या करता है, चरम वृत्ति का, विद्या का संश्लेष। विद्या क्या करती है, क्षण भर में चरम वृत्ति का रूप धारण करके भक्त के आवरण को विध्वंस करके भक्त को मुक्त कर देती है। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा, तब मूल भेद भ्रम नाशा। चरम वृत्ति, चरम वृत्ति, चरम वृत्ति का रूप अंतकरण में भगवान की उपाधि का सन्निवेश हो जाता है एक क्षण के लिए। वो एक क्षण के लिए चरम वृत्ति क्या करती है, अज्ञान और अज्ञान जन्य आवरण को दग्ध करके स्व पर विरोधी होकर शांत हो जाती है। क्या ध्यान गया आपका, भगवान के द्वारा प्रेरित जैसे अग्नि समूह, ज्वाला समूह की एक चिंगारी रूई पर पड़ जाए तो उसके लिए वो दाहक बन जाए या न बन जाए, भगवान की विद्या उसकी एक कणिका, उसकी एक किरण, उसकी एक रश्मि जब साधक के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाती है, तब साधक जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ तो वृत्ति स्व पर विरोधनी है, यहाँ जो भगवान है ओ रश्मि, एक रश्मि नहीं, समग्र विद्या, पूंजीभूत विद्या भगवान की उपाधि है। तो जब जीवन मुक्त बना देती है विद्या की एक रश्मि, तब विद्या पुंज ही जिनकी उपाधि है, उन भगवान के प्रति अमलात्मा परम हंसों का मन भी क्यों न लोट पोट हो, आकृष्ट हो। अंत में आज के प्रवचन, कल भी है प्रवचन, इस सत्र को कल विराम देंगे, पाठ को आज रात्रि में विराम देंगे, फिर भगवत कृपा से अगले चातुर्मास में योग सधेगा। हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि भगवान की अनुकंपा है, तो भगवान में ऐसे दिव्यात दिव्य गुणगण हैं। भगवान की उपाधि कौन है, विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या, जिसकी एक कणिका जीव को जीवन मुक्त बना देती है, वो विद्या पूंजीभूत विद्या विद्योपाधिक जो भगवान हैं, वे
भला भक्तों के जीवन मुक्तों के भी आकर्षण केंद्र क्यों न बने। सनत कुमार जीवन मुक्त हैं या नहीं? सनंदना जी भक्तों में भी उनकी गणना है या नहीं? योगियों में भी उनकी गणना है या नहीं? ज्ञानियों में भी उनकी गणना है या नहीं? तपस्वियों में उनकी गणना है या नहीं? धार्मिकों में उनकी गणना है या नहीं? ऐसे ही जितने हमारे प्राचीन ऋषि थे, नारद जी आदि, क्या योगी नहीं थे? क्या ज्ञानी नहीं थे? क्या भक्त नहीं थे? आजकल की तरह थोड़े योगाचार भी, योग के आचार, योगाचार से संपन्न योगाचार्य भी, योग के आचार्य भी, योगाचार्य माने योगियों के आचार्य भी, और भक्त शिरोमण भी, ज्ञानियों में भी शिरोमण, एक ही में तो सब लक्षण था। नारद जी क्या समाज लगाना नहीं जानते हैं? क्या कथा कहना नहीं जानते हैं? क्या तत्वज्ञ नहीं हैं? क्या वेदज्ञ नहीं हैं? और क्या राष्ट्र पर जब जब विपत्ति आती है तब स्वस्थ व्यूह रचना करके क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते या नहीं? हमने सोचा कि हिरण्यकश्यपु आदि के राज्य में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने वाले देवर्षि नारद, उनके बिना कोई क्रांति हो सकती है? गांधी जी के बस की बात है और जयप्रकाश जी के और अन्ना हजारे जी के क्रांति के नाम पर क्या है ये? क्रंदन, करुण क्रंदन, इन सब की क्रांति के घर से करुण क्रंदन, करुण क्रंदन कोई भी क्रांति ला सकता है क्या? ना, ये सब जो आध्यात्मिक मनुष्य नहीं होगा वो क्रांति ला ही नहीं सकता। वो भ्रांति का नाम है क्रांति क्या? इन सब की क्रांति माने भ्रांति, 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 क्रांति है ही नहीं। देवर्ष नारद ने क्रांति ला दी या नहीं? गर्भगत शिशु को उपदेश दे करके कयाधु के गर्भ में प्रहलाद, अब देखिए क्रांतिकारी नारद जी नहीं है क्या? आगे भृगु जी क्रांतिकारी नहीं थे क्या? वेन के शासन को ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसमें भी नारद जी की भूमिका थी। वशिष्ठ जी क्रांतिकारी नहीं थे क्या? विश्वामित्र जी ने रावण के शासन को छिन्न करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, उसमें भी नारद जी का हाथ। अच्छा, कंस और दुर्योधन के उन्मादपूर्ण शासन का तंत्र को विध्वंस करने में नारद जी का हाथ था या नहीं? व्यास जी मैत्रेय जी को आगे करके मैंने सोचा कलयुग में कोई क्रांति आई तो उसके उद्भाषक नारद जी थे या नहीं, तो शंकर दिग्विजय में मिला तो भगवान शिव से शिव की प्रार्थना करने में नारद जी सबसे आगे थे कि अवतार लीजिए, तब भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए। शंकराचार्य के माध्यम से भी जो स्वस्थ क्रांति की उद्भावना की गई उसमें भी भूमिका प्रदान करने वाले देवर्षि नारद। इसका अर्थ क्या है? एक आध्यात्मिक मनीषी भक्त शिरोमणि भी, भक्त शिरोमणि हैं या नहीं? ज्ञान शिरोमणि, योगियों के शिरोमणि, ज्ञानियों और हर प्रकार से पराविद्या प्राविद्या सब में निपुण हैं या नहीं? कालांतर में अभी 70-80 वर्षों से बीमारी चली, ये कथावाचक विद्वान हैं, ये सिद्ध हैं। अंगूठा टेक को सहूर भी नहीं, कुछ उसको लोग सिद्ध मानने लग गए, और पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज इन सबको ये विद्वान हैं, अंदर कान में लोग कहते थे विद्वान हैं कथावाचक, सिद्ध तो वो है, माने सिद्ध की अलग धारा चली और पंडिता हो भाई, भले कोई पंडित सन्यासी हो जाए धारा चली या नहीं, सिद्ध अलग और पंडित अलग। अब पहले क्या था? वही पुरुष पंडित वही सिद्ध भी, ये चला, ये धारा एक चली, जो जो विद्वान हुए कुछ था बात भी सच्ची थी कुछ, लेकिन जो जो विद्वान हुए उनको पंडित के नाम से तो कहा गया, सिद्ध के नाम पर उन सबको ढूंढा गया जो बड़े दंभ वाले थे, प्रायः उन दंभियों को ढूंढा गया सिद्ध के नाम पर, विद्वानों को कहा गया कथा वाचने तक सीमित है कोई सिद्धि थोड़े है। बड़ी निकट बात, अब बात भी कुछ लोगों ने सिद्ध भी की कथा वाचने, कुछ अखंडानंद महाराज की बात नहीं कहता मैं तो आध्यात्मिक धरातल पर उनको माँ ही मानता हूँ, कुछ गुरुदेव को पिता ही मानता हूँ, वो सब जानते वृंदावन वाले, उनके चेले लोग उस मार्ग पे नहीं चल रहे। मैं चाहता तो प्रवचन करना जब जाता हूँ छोड़ देता, मंत्र भी सुनने नहीं आता, इतना अहंकारी इतना बाहिर्मुख
कभी नहीं प्रश्न सुनने आता। तो हम शंकराचार्य के पद पर हम अपमान मान लेते, हम उन लोगों की ओर देखते नहीं। स्वामी जी ने हमको बहुत कुछ दिया, लाड़ प्यार, हम अपनी ओर से जाते हैं। नहीं तो एक दिन में कह दें तुम्हारा मानते ही प्रश्न नहीं सुनने आता, तुम्हारे उत्तराधिकारी जो हैं वो कथा कहते रहते, वो आते ही नहीं, कभी आते ही नहीं। वो स्वयं अपने को विद्वान मान के घूमते रहते हैं बाहर, तो हम क्यों प्रवचन करें। कभी हमने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता। अब वो ऐसा अगर वातावरण प्रस्तुत करेंगे कि हमारे जाने योग्य स्थान ही नहीं रह जाएगा, संभावना तो यही है, हम क्यों जाएंगे, हमारा राज तो नहीं है। जब अपने गुरु स्थान में हम नहीं जाते, धर्म संघ में हम कौन रहते हैं, दिल्ली में नहीं जाते, वृंदावन में, वाराणसी में नहीं जाते, काशी विश्वनाथ में नहीं जाते, जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि कब्जा करने आ गए, हमें क्या लेना है, तुम देवराज इंद्र का पद भी मुझे नहीं चाहिए। तो हमने एक संकेत किया ना, आजकल विभाजक रेखा बन गए, ये सिद्ध हैं, ये पंडित हैं, पहले तो वेदव्यास जी सिद्ध नहीं थे क्या, व्यास जी वशिष्ठ जी सिद्ध नहीं थे क्या, पराशर सिद्ध नहीं थे क्या, पराशर जी विद्वान नहीं थे क्या, नारद जी सिद्ध नहीं थे क्या, विद्वान नहीं थे क्या, ये विभाजक रेखा तो पहले थी ही नहीं क्या, ये विभाजक रेखा पहले नहीं थी, सिद्धों की धारा अलग, विद्वानों की धारा अलग, ये सब नहीं। विद्वान जो होते थे वो सिद्ध भी होते थे, सिद्ध जो होते थे विद्वान भी होते थे। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, आज के प्रवचन का सार निकला कि भगवान, कल ही का श्लोक चल पड़ा, नया श्लोक पे तो कुछ कह ही नहीं पाए, कि भगवान अजित होते हुए भी भक्त वत्सलता के कारण भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, और भक्त भी भगवान के वशीभूत रहते हैं। अंत में क्या हुआ, एक दूसरे पर लट्टू होते हैं, एक दूसरे के पोषक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव।